मेगालोडन शार्क आज तक समुद्र में जितने भी तरह के जानवर देखे गए हैं, उन सब जानवरों में से मेगालोडन शार्क को सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवरों के रूप में देखा जाता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मोस्वासॉरस, जो कि समुद्र में एक बहुत ही खतरनाक रेप्टाइल्स माना जाता है, वो उसको भी मारकर अपना शिकार बना देता था। मेगालोडन शार्क का रफ्तार इतना ज़्यादा है कि कोई भी नॉर्मल मछली इसको रफ्तार या फुर्ती में हरा नहीं सकता। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसके सामने जितने भी बड़ा ओपोनेंट हो वो उसको मारकर खा जाता है। इसका जबड़ा इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये अगर किसी को एक बार पकड़ ले तो उसका दो टुकड़ों में बढ़ जाना बहुत ही आसान होता है। वो उसको दो टुकड़ों में बांट देता है। मेगालोडन शार्क को समुद्र के राजा के नाम से जाना जाता है और मेगालोडन शार्क एकलौता ऐसा मछली है जो कि समुद्र में आज भी देखे जाने की दावा करते हैं। इसका रफ्तार और इसका आतंक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आज तक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं आज का मारियाना ट्रायंगल में ये मछली आज भी जिंदा है। अगर ये मछली सच में आज भी जिंदा है तो वो शायद आज तक ढूंढे जाए मरले सब मछलियों से सबसे ज़्यादा खतरनाक और खूंखार मछली के नाम से जाना जाएगा। और अगर बात किया जाए बॉब के बारे में तो 1997 मसीहा में अमेरिका के वैज्ञानिकों को एक बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दिया समुद्र के अंदर से, जो आवाज़ ब्लू व्हेल से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंची थी। इससे ये पता चला कि ये जिस भी मछली का आवाज़ है वो ब्लू व्हेल से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आज तक समुद्र में जितने भी बड़े जानवर देखे जाते हैं उन सब जानवरों में से ब्लू व्हेल को सबसे ज़्यादा बड़ी माना जाता है। अगर ये बॉब मॉन्स्टर सच में समुद्र के अंदर में कहाँ पर है तो वो शायद ब्लू व्हेल से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इसका जबड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसका जबड़ा इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये एक ही बार में 10,000 किलो मछली को निगल सकता है और ये आज भी समुद्र के अंदर में कहाँ पर छुप कर रहता है। इसका खोज आज तक किसने नहीं किया है, बस वैज्ञानिकों को इसका एक आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है जिसके सहारे वैज्ञानिक ये सब मत प्रकाश कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर मेगालोडन शार्क जो पहले देखे जाते थे और ये बॉब मॉन्स्टर जिसका होने के दावे आज तक वैज्ञानिक कर रहे हैं, अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम किस दौरान होगा। अगर बात किया जाए इन दोनों की हाइट में तो मेगालोडन शार्क बॉब से छोटा माना जाता है, क्योंकि बॉब का शरीर ब्लू व्हेल से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा माना जाता है। इसके वजह से वो बॉब को अपना आकार के सहारे हरा सकता है, लेकिन मेगालोडन शार्क छोटे होने के वजह से बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला माना जाता है और मेगालोडन शार्क का जबड़ा भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो 10 में से 6 बार बॉब ही जीतेगा, क्योंकि बॉब एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर माना जाता है और इसका मुंह भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये अगर किस दौरान एक ही बार में मेगालोडन शार्क को अपने मुंह के अंदर ले ले तो वो शायद मेगालोडन शार्क को मार सकता है, लेकिन ये करने के लिए बॉब को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेगालोडन शार्क एक बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला मछली माना जाता है और बहुत ही अच्छा तैराक भी है। अगर मेगालोडन शार्क अपना फुर्ती का इस्तेमाल करे और बॉब को थोड़ा थोड़ा करके अपने जबड़े में उसका हिस्सा करने लगे तो वो शायद बॉब मॉन्स्टर को मार सकता है, लेकिन ये लड़ाई अगर दोनों के बीच होगा तो ये लड़ाई बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मेगालोडन शार्क का रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है। बॉब को उसे पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और मेगालोडन शार्क को भी बॉब जैसा एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हुआ तो दोनों की जीतने के चांस बराबर है, क्योंकि
दोनों ही समुद्र में देखे जाने वाले आज तक सबसे बड़ा मॉन्स्टर माने जाते हैं, और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है।